हेलो दोस्त, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। ठीक है, एक जो ये तीनों टाइप के क्लासिफिकेशन है, ये किस चीज के बेस पे क्लासिफाई करा है पहले इसको बता देता हूँ। ये करा गया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेस पे। ओके, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेस पे मतलब कैसे है? देखो, जिसका सब पहले बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में तीन वर्ड याद रखना। जिसका सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उसको कंडक्टर बोलेंगे, जिसका मीडियम लेवल का होगा उसको बोलेंगे रजिस्टर, और जिसका सबसे ही ज्यादा रजिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे इंसुलेटर। देखो दोबारा समझो, जिसको जिसमें इजिली करंट पास हो जाए उसको कंडक्टर, जिसमें थोड़ा वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करने के बाद हीटिंग इफेक्ट हो करे थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी करंट पास उसमें हो रहा है तो वो उसको बोलेंगे रजिस्टर। लेकिन इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होता। जैसे कि जो ये पिन देख रहे हो आप, ये जो मेटल की है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन ये जो है ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग, इसमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं हो सकता। ओके, तो ये जो प्लास्टिक है ये इसमें इंसुलेटर है, लेकिन ये जो है, ये जो टिप है मेटल की पिन, ये इसमें मेटल की है, तो ये होगा कंडक्टर। ओके, रजिस्टर्स जो होते हैं, रजिस्टर्स वो होते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ। देखो वायर जो है अंदर वाली, जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया, ऐसे सेम टू सेम एज इट इज कॉपर वायर ले लो, एल्यूमिनियम वायर ले लो, और इसमें जो ये रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर ये जो हीटिंग पर्पस के लिए भी यूज करे जा सकते हैं। ओके, हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिकल आयरन, और इसका रजिस्टर। ओके, ये रजिस्टर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जो रबर रबर ग्लव्स होते हैं वो इंसुलेटर की तरह रिएक्ट करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो सकता। ओके, अब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये सबसे बेस्ट कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है। देखो सिल्वर इज द बेस्ट मेटल है जो कि सबसे आसानी से करंट फ्लो करा सकता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था याद करने के लिए। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक वायर्स मेड अप ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम, जो ये जो कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर जो बनते हैं इसीलिए बनते हैं, बिकॉज इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है और कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी बिल्कुल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन, मान लो मतलब रेसिप्रोकल होता है वैसे तो रियल में। और जो रजिस्टर्स जो होते हैं उनकी बहुत हाई रजिस्टिविटी होती है। देखो रजिस्टर्स की रजिस्टेंस जो होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। ओके, एज कम्पेयर टू मेटल्स जो कि कंडक्टर है। ओके, एंड जब इंसुलेटर के ऊपर बात आती है तो रबर जो है सबसे एक्सीलेंट इंसुलेटर माना जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि जब आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रिशियन वर्क करता है तो वो कभी कभी ग्लव्स पहनता है, और वो ग्लव्स किस चीज के बने होते हैं? इंसुलेटर के। तो इंसुलेटर जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत मुश्किल से पास होगी, बहुत ही 0% चांस है। ओके, तो इसलिए ही वो एक्सीलेंट इंसुलेटर है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती बिकॉज उसकी रेजिस्टिविटी हाई है। ठीक है, अब आने वाले टॉपिक्स में एक वर्ड आएगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का थोड़ा यहीं पे मैं थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी कम होगी। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि कोई ये सपोज करो, अगर ये सेमीकंडक्टर का होता, अगर मैं इसको गर्म करने लगता तो इसकी रेजिस्टिविटी कम होती चली जाती और कंडक्टिविटी हाई होती चली जाती। मतलब जैसे जैसे गर्म होगा ऐसे ही उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। ये चीजें इसमें बोलने का सिर्फ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये है। ओके, लेंथ पहला पैरामीटर है, लेंथ पे डिपेंड करेगा। दूसरा पैरामीटर है क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। तीसरा पैरामीटर है नेचर, मतलब किस टाइप का मटेरियल है वो। ठीक है, फोर्थ टॉपिक है, वो फोर्थ पैरामीटर है टेम्परेचर, किस सर्टेन कंडीशन में आप उसको ले जाकर ऑब्जर्व कर रहे हो, रेजिस्टेंस को जो मेजर कर रहे हो। सपोज करो एक बंदा तो 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे अंदर रूम में बैठ के कर रहा है। ओके, एक बंदा बैठ के वहां पे 50 डिग्री सेल्सियस में कर रहा है, तो वहां यहाँ पे जो रीडिंग आएगी और वहां पे जो रीडिंग आएगी उनमें काफी ज्यादा वेरिएशन होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ओके, अगर जब हम रेजिस्टेंस नापेंगे तो उसमें लेंथ पैरामीटर जो है वो कैसे रोल प्ले करेगा। ठीक है, देखो ये जो लाइन लिख रखी है ना पे, ये लाइन ही सब कुछ क्लियर कर रही है। देखो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि अगर हम इसकी लेंथ को सपोज करो एल लेंथ का पहले कंडक्टर है, ठीक है, अब इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें आर रेजिस्टेंस है, वी पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद। लेकिन अगर हम इसकी लंबाई को दुगना कर देते हैं, सपोज करो इतना कर देते हैं, तो हमने ऑब्जर्व किया था कि इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो
बढ़ गई है। तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या बताया था कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी वाली भी बढ़ रही है, ठीक है, यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। देखो ये लिख रहा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ओके। अब सेकेंड पैरामीटर क्या था, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये है देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए, ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ओके। इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम इसका एरिया, सपोज करो ये जो क्रॉस सेक्शन है, अगर मैं इधर से देखूं सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा, तो अगर मैं इसको डबल कर देता हूं, ठीक है, डबल, पहले से डबल, दोगुना मतलब, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इसकी रेजिस्टेंस आधी हो गई है, ओके। तो ये जो ये चीज क्या डिनोट कर रही थी, कर रही है यहाँ पे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि ये मैं तो बढ़ा रहा हूँ और वो उल्टा घट रहा है, तो इसमें रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रही है किसके, एरिया के, ओके। यहाँ पे ये समझने की बात है। यहाँ के बाद में, इसके बाद में बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि देखो ये लिख रखा है कि एक थिक वायर हैविंग लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन बी कंसिडर इक्वल और लार्ज नंबर ऑफ थिन वायर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड वी नो दैट इफ वी टू रेजिस्टर्स वायर्स आर इन पैरेलल देन रेजिस्टेंस इज हाल्व, सो द डबलिंग द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, देयरफॉर द रेजिस्टेंस फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन इट इज क्लियर दैट टू मेक रेजिस्टेंस वायर रजिस्टर, ठीक है। अब देखो इसका हिंदी मीनिंग क्या है, देखो शॉर्ट, देखो सपोज करो इसी से समझो, देखो इतना ये इतनी लेंथ है, ओके, इसका सबका मीनिंग यहाँ पे आप खुद ही समझ चुके हो, जो मैं हिंदी में बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना, कि ये जो सपोज करो एल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अब इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इतना है, ठीक है, अब मैं इतनी ही लेंथ का कोई दूसरा वायर ले लेता हूँ इतना मोटा, ओके, तो हम क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो मोटा वाला वायर है ना, इसमें रेजिस्टेंस कम है, बिकॉज एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा था, ठीक है, तो जैसे एरिया बड़ा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जब कम होगी तो करंट क्या होगा, आसानी से फ्लो होगा, ये चीज बस ध्यान रखने की, ठीक है। ये इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता रहा, जो मैंने बोला यही बता रहा है, इसको अगर समझ में नहीं आया मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो अगर ये एल लेंथ का अपने कोई कंडक्टर लिया है, ठीक है, इसकी कोई एरिया ए है, ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा कोई ऐसे वायर लेता हूं मैं, उसका एरिया इसके डबल है, समझ के क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर देता हूं, तो मैं ऑब्जर्व करता हूं कि इसकी रेजिस्टेंस घट गई है, ओके। ये जो अभी तक स्टेटमेंट बोला है बस इसमें ये है कि शॉर्ट वायर अगर कोई लेंगे हम तो उसमें लो रेजिस्टेंस होगा, ओके, और अगर हम लॉन्ग वायर लेंगे तो गेटिंग हाई रेजिस्टेंस, बिकॉज लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा था, ओके। अब देखो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ नेचर, नेचर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, ये एक टर्म नई इंड्यूस हो गया पे, रेजिस्टिविटी, अब इस चीज को ध्यान रखना। देखो ये एक है, मैं दो वायर बनाता हूँ, ठीक है, मैं एक वायर बनाता हूँ कॉपर का, मैं सेम टू सेम इतनी ही लेंथ का इतनी ही एरिया का, देखो दोबारा से बोल रहा हूँ क्या ध्यान से सुनना, सेम लेंथ और सेम एरिया का मैं एक दूसरा वायर बनाता हूँ कॉपर का, पहला वाला मानो एल्यूमिनियम का है, दूसरा वाला है कॉपर का, तो उसके बाद में हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि यार इन दोनों की जब करंट पास करा के देखा कि इन दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग आ रही है, तो वो अलग अलग जो आ रही है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है उस नेचर पे कि वो जो मेटेरियल बना हुआ है वो किस नेचर का है, ओके, क्योंकि एल्यूमिनियम अलग है और यहाँ पे कॉपर अलग है, तो उन दोनों की रजिस्टिविटी अलग अलग है, समझ गए, उसी रजिस्टिविटी की वजह से ही वो रजिस्टेंस अलग अलग मीजर कर पाए हुए थे जो भी आए थे, मतलब समझ गए कि अब कैसे होगा। देखो अगर जब मैं कॉपर का एग्जांपल लेके चलता हूँ पहले, ठीक है, कॉपर मैंने कोई करंट फ्लो कराया तो उसमें रजिस्टेंस आया फाइनल 10 ओम का, ठीक है, लेकिन जब मैं एल्यूमिनियम का फाइंड ऐसे ही सेम टू सेम लेंथ का और सेम टू सेम एरिया का करंट फ्लो उसमें करंट फ्लो करूंगा तो वहां पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पे कुछ 10 से ज्यादा आ रहा होगा, समझ गए, रेजिस्टेंस बढ़ गया, मतलब 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, अभी कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हमने तो यार दोनों के लेंथ भी बराबर लिए हैं, एरिया भी बराबर लिए हैं, तो वो तीसरी क्या चीज डिपेंड कर रही है, वो तीसरी आ रही है नेचर वाली चीज कि वो अलग अलग धातु है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ओके, तो वो जो तीसरी जो चीज डिपेंड करा रही है उस रेजिस्टेंस को वेरी करा रही है, मतलब अलग अलग जो हो रहे हैं वो लेंथ और एरिया को सेम रखने के बावजूद भी, तो वो ही चीज है रेजिस्टिविटी, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अब मेटल्स के केस में इंक्रीज हो गई
रेजिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज उसमें जो रैंडम मॉलिक्यूल्स का जो कॉलिजन बताया था ना मैंने, रेजिस्टेंस कॉजिंग किस वजह से होता है, मैंने बताया था ना कॉलिजन होता है कुछ, तो जो फ्रिक्वेंसी होती है उन दोनों के आपस में टकराने की वो बढ़ जाती है, इस वजह से इन केस ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ओके, बट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वो सॉरी एलॉय, तो उसमें ऑलमोस्ट सेम होती है, मतलब थोड़ी बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो वो उसको हम कह सकते हैं नेगलिजिबल है वो, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और एलॉय के केस में ऑलमोस्ट सेम रहती है। ओके, अब देखो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने बताया था रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ओके, अब आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये जो ये सिंबल दिख रहा है ना आपको ये वाला, इसको बोलते हैं दोस्त रो, ठीक है। ये मैंने देखो यहाँ पे बताया भी था, दिखाता हूँ आपको, ये रहा रो, जिससे कि उसको डिनोट करते हैं रेजिस्टिविटी का। ओके, अब यहां तक मैं डिनोट करके बिल्कुल प्रॉपर समझ चुका हूं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा आपसे कि एक ऐसा डायमेंशन दो मेरे को किस लेंथ पर उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी उस वायर की बराबर हो जाए, ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो देखो फॉर्मूला ये रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ओके, तो इसमें किस वैल्यू पर रखेंगे, ठीक है। देखो अगर हम एरिया को भी वन रख दें और एल को भी वन रख दें, तो यहाँ पे वन से वन क्रॉस हो जाएगा, तो आर इक्वल टू रो हो जाएगा। ओके, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर हम 1 मीटर लंबा वायर लें और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी इस डायमेंशन पे लेंथ लेंथ मतलब एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी उसकी इक्वल हो जाएंगी। ओके, ये चीज समझने की, बस इसमें ये जो स्टेटमेंट यहां से आते बोला है। ओके, फिर ऐसा यूनिट इसको ध्यान से लिख लेना, यहां से यहां तक इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ओके, और इसका जो इनवर्स हो जाता है वो हो जाता है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा उसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी, ठीक है, बिल्कुल। मतलब ये तो रेजिस्टिविटी है कि कितना रोकने का ट्राई करेगा वो मटेरियल, ठीक है। अब जो मेटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब ये जो कंडक्टिविटी होगा ये करेगा कि ये कितना अलाउड करेगा मेटेरियल, बिकॉज अपोजिट है। ओके, अब नेक्स्ट है, हाँ ये जो कुछ रेजिस्टिविटी दे रखी है, ओके, एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद करनी है, मैंने यहाँ पे बना रखी है 6 कॉलम। ओके, तो 6 की 6 याद कर लेना, बिकॉज आने वाली नोक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये हेल्प करेंगे। ओके, और एलोय की ये दो, ये मैग्निन और निकोन, ये ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछी जाती है, इसको भूल भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको मत भूल जाना बिल्कुल भी, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सेमीकंडक्टर होते हैं वो मटेरियल जिनको अगर हम टेम्परेचर राइज करें, ओके, टेम्परेचर अगर हम राइज करें तो उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उनका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ जाएगा। ओके, और अगर फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ गया किसी भी मेटल में इन एनी केस, तो वहां पे कंडक्टिविटी जो है हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी कम होगी। देखो मैटर जो अभी तक बात कर रहे थे हम कंडक्टर में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे हम वो बढ़ा रहे हैं उसका टेम्परेचर, वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, मतलब कंडक्टिविटी कम होती जा रही है। लेकिन सेमीकंडक्टर कितनी अच्छी बात है कि उसको अगर हम गर्म कर रहे हैं ना तो वो उसमें फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ओके, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, और इंसुलेटर में ऐसा कोई केस नहीं होता, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर की मतलब इस प्रॉपर्टी को देख के ही इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव रखी जाती है कि यार कितनी अच्छी प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, कि अगर हम इसमें कोई हीट दे रहे हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और उसमें क्या बोलते हैं रजिस्ट उसमें कंडक्टर के केस में उसमें क्या हो रहा है रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है किसी भी चीज में तो उसका बेसिक फैक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ने का मीनिंग क्या है, कि जो फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन है उनके जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी फ्रिक्वेंसी कोलिजन की बढ़ चुकी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है वो डिक्रीज होगी टेम्परेचर राइज करने पर, ठीक है, याद कर लेना वो जो एलिमेंट्स की वैल्यू है। और हाँ ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है। एक कॉपर वायर है, ठीक है, उसकी लेंथ है 2 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है क्वेश्चन में 2 1.6 × 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर।
और इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए 2 × 10⁻²⁰ ओम। ओके, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड करो। देखो अभी मैं पीछे लिखवाया था और बोला भी था नोट करने के लिए कि इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। रो इक्वल टू होता है आर ए बाई एल। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये 2 × 10⁻²⁰ ओम। इसमें क्रॉस सेक्शन की वैल्यू दे रखी है 1.6 × 10⁻⁶ मीटर² ए की वैल्यू। ओके, अब लेंथ की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2 मीटर। अब इसको जब फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे सारी की सारी तो रो की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। देखो ओम मीटर, इसको ध्यान से देखना, मैंने अभी बोला है कि इसकी यूनिट आपको कन्फ्यूज कर देगी। और जहाँ पे रजिस्टिविटी आएगी उसका अगर हम अपोजिट कर देंगे मतलब रेसिप्रोकल, तो उसका बोला जाएगा कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर मैं इसमें आपसे यही पूछने लगता रजिस्टिविटी की जगह कि कैलकुलेट कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, तो कैसे करना होता आपको, यहां तक आपको सेम टू सेम यहां तक क्वेश्चन को लाना होता। ठीक है, इसको लाने के बाद यहां पे करना कुछ नहीं होता, बस वन वन में इसको आंसर से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो वही उसकी कंडक्टिविटी हो जाती और उसका होता ओम, यूनिट होती ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कशन होगा हमारा कि हम सीरीज में अगर रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कैसे कैसे उसमें वेरिएशन आएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जिससे कि आने वाली जो वीडियो आए उसको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आपके मोबाइल या डेस्कटॉप जिस पर भी आप देख रहे हो वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।